कोरोना पॉजिटिव की मानसिक अवस्था या मानसिक स्थिति, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कोरोना पैंडेमिक में काफी सारे लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव में कोरोना सिम्टोमेटिक है कि बहुत ज्यादा सिम्टम्स है, वो कोरोना हॉस्पिटल में भर्ती है। कुछ लोग ऐसे कि जो कोरोना पॉजिटिव है मगर उनको कोई लक्षण नहीं है, और वही ज्यादा लोग है। 80% लोग वही है कि कोरोना पॉजिटिव है मगर उनको लक्षण नहीं है और वो क्वारंटाइन उनको किया गया है। और तीसरा जो क्लास है वो क्लास ऐसा है कि वो कोरोना के संपर्क में आए लोग हैं, उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा हुआ है और उनकी टेस्ट जो है वो अवेटेड है, टेस्ट रिपोर्ट। अब ये जो कोरोना पॉजिटिव है मगर कोरोना के कोई बाकी लक्षण नहीं है, ना बुखार है ना कुछ, मगर कोरोना पॉजिटिव है, वो अकेले रह रहे, क्वारंटाइन है, आइसोलेटेड है, विचार चालू। पहले इंसान इतना डरा हुआ है कोरोना से और अभी कोरोना हो गया है, अभी क्या होगा, वो विचार से उसको बहुत सारी तकलीफ हो रही है। मुझे एक पेशेंट का फोन आया, ऑनलाइन कंसल्टेशन हम करते हैं जैसा मैंने बताया, और उसका कहना यह था कि मैं क्वारंटाइन हूं मगर मुझे कंटिन्यूअसली विचार आते रहते हैं, कोई मुझे पूछने भी आता नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं करता है, कोई लक्षण नहीं है, मुझे बताया कि कोई सीरियस नहीं है मगर मुझे कंटिन्यूअसली नकारात्मक विचार आते रहते हैं। मैं कुछ भी किसी से भी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे वो बीमारी हो जाएगी, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे पेट में कुछ ना कुछ हो जाएगा, गैस हो जाएगा, छाती में निमोनिया हो जाएगा और फिर खांसी हो जाएगी, टीबी हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, अटैक आ जाएगा, पेट में इतना सारा गैस तैयार होता है, एसिडिटी हो जाती है, घबराहट होती है, बेचैनी, हाथ थर 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 कांपते रहते हैं, घबराहट इतनी होती है कि ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो अच्छा है, बेचैनी से इधर उधर घूमता हूं और बहुत सारे नकारात्मक विचार एक सरीके आते रहते हैं। सीने में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो भी टोच दिया किसने, और नींद नहीं आती, फिर उसमें फिर बेचैनी होती रात में, फिर करवटे बदलते रहता हूं और फिर लगता है कि क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, वो पॉजिटिव निकलेंगे क्या, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं आगे काम कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। कोरोना से लोग इतने भयभीत हो चुके हैं कि उनको लगता है कि अभी अपन मरने वाले हैं, भले ही लक्षण कुछ भी नहीं है, तभी भी उनको लगता है कि अपने को लक्षण तैयार हो जाएंगे, नहीं तो हो जाएगा, ज़्यादा लक्षण आ जाएंगे, मर जाऊंगा। तो ये लोगों को अभी काउंसिलिंग की जरूरत है, साइकोथेरेपी की जरूरत है। उनका एक्चुअली इम्यूनिटी अच्छी है उनकी, इसलिए उनको कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, है ना, उनकी प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी है और इसलिए लक्षण नहीं है। तो ये लोगों ने एक्चुअली रेस्ट एश्योर्ड होना चाहिए कि नहीं, अपने को कुछ होने वाला है नहीं। मानसिक स्तर से वो जरा थोड़े से डाउन हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, एंग्शियस हो गए, नर्वस हो गए, तो वो स्थिरता लाना जरूरी है। लोगों ने मेडिटेशन करना जरूरी है, सेल्फ हिप्नोथेरेपी मैं रिकमेंड करता हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस मैं रिकमेंड करता हूँ, अच्छे वीडियो सुनो, पॉजिटिव मोटिवेशन के जो वीडियो है वो देखो, पॉजिटिव इंस्पिरेशनल वीडियो देखो, फिर कुछ एजुकेशनल वीडियो देखो, अपना टाइम आप कैसे अच्छा बिताएंगे, कुछ किताबें पढ़ो। और कुछ होता था तो पहले होता था, अभी कुछ भी नहीं है तो होगा होगा ऐसा करके वो हम स्पेस में क्यों जाते हैं, हम वो स्पेस क्यों तैयार करते हैं कि नहीं होगा होगा। तो क्या होता है कि जब हम विचार करते रहते होगा होगा क्या, सच्चे हो जाता है। तो अपना मन जो है वो अलग कहीं ना कहीं ऐसा गुताना है, एंगेज रखने का है, लोगों से बातचीत करते रहने का है। और ये क्वारंटाइन पीरियड का जितना ज़्यादा आप लाभ ले सके अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए वो लाभ लेवे। और ये एक बून है, एक वर दिया हुआ है भगवान ने कि चलो अपने को कोरोना हो गया तो अभी आगे चल के इम्यूनिटी हो जाएंगी, मतलब बून इन डिसगाइज कि चलो बुरा हो गया तो उसमें अच्छा क्या है कि चलो अभी इसके बाद में तो कोरोना होगा नहीं, डर डर के जीना नहीं भाई, चलो एक बार तो हो गया तो हो गया, चलो एक वो है। और अपने को 14 दिन मिल रहे हैं उसमें अपना डेवलपमेंट करो, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो, पढ़ो, अपना खुद का डेवलपमेंट करेंगे, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एक नया इंसान 14 दिन बाद में तैयार हो जाएगा। मैंने उसको कुछ मेडिसिन भी दिया लिख के कि वो मेडिसिन वो लेता है तो उसकी घबराहट बेचैनी कम हो जाएंगी, शांति हो जाएंगी मन को, और उससे उसको फायदा डेफिनेटली हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो, जो भी आपको जाने अनजाने पहचान के नहीं पहचान के लोग होंगे, काफ़ी लोग परेशान हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव निकला है, नहीं निकला वो भी परेशान है कि हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसे उनको मानसिक शांति मिलेगी। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आप भी शामिल हो जाएगा। हमारे ऑनलाइन वेबिनार चलते रहते हैं फेसबुक, यूट्यूब और जूम के ऊपर, वीडियो सेमिनार से उसकी जानकारी हमारे जो काउंसिलर से उनसे ले लो ताकि आप ज्वाइन कर सकेंगे, मेरे से आप बातचीत कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।